चीन अपनी कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने का डंका पूरी दुनिया में पीट रहा है, लेकिन अब चीनी डॉक्टर ने ही ड्रैगन के दावे की पोल खोल कर रख दी है। चीन के डॉक्टर ताओ लिना ने ये दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है कि चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित है और इसके 73 दुष्प्रभाव हैं। इस वैक्सीन को चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्म ने विकसित किया है। चीन लगातार दावा कर रहा है कि उसकी वैक्सीन सुरक्षित है। यही नहीं, वो पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों को इसका निर्यात करने जा रहा है। चीन के डॉक्टर का बयान दुनिया भर में वायरल होने के बाद अब डॉक्टर ताओ अपने बयान से पलट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी मीडिया उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। डॉक्टर ताओ ने दावा किया कि उनका पूर्व में दिया गया बयान सिर्फ एक तीखा व्यंग था। डॉक्टर ताओ ने जोर देकर कहा, चीनी इलाज बहुत सुरक्षित है और देशवासियों से लापरवाही से दिए गए बयान के लिए माफी। इससे पहले नए साल की पूर्व संध्या पर चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने साइनोफार्म वैक्सीन को सशर्त मंजूरी दे दी थी। चीन का दावा है ये वैक्सीन 79.34% कारगर है। चीन करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन मध्य फरवरी चीनी नव वर्ष से ठीक पहले लगाने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी और काम करने वाले लोग शामिल हैं। इससे पहले डॉक्टर ताओ ने साइनोफार्म के कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि ये चीनी वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। इस ब्लॉग को चीनी सोशल मीडिया साइट वीबो पर अपलोड किया गया था। अब ये आर्टिकल हटा लिया गया है और इसका कारण भी नहीं बताया गया। इस पोस्ट में डॉक्टर ताओ ने दावा किया है कि चीनी वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट हैं। इसमें इंजेक्शन लगने के स्थान पर दर्द, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, दिखाई न देना और स्वाद खत्म हो जाना और पेशाब में दिक्कत शामिल है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए। We'll be right back.